अगर आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं या बीएसपी की रैलियों पर नजर रखते हैं तो आपने भी ये तस्वीर जरूर देखी होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की हर रैली में मायावती को कभी लाल किले के सामने तो कभी संसद भवन के सामने बतौर प्रधानमंत्री पेश करने वाले इस कटआउट को ये शख्स घंटों सिर पर उठाए रहता था। जज्बा ऐसा कि ना धूप देखते और ना ही छांव। बीएसपी की रैलियों की पहचान बन चुके इस शख्स का नाम था यशपाल गौतम। बीएसपी के समर्पित प्रचारक यशपाल गौतम का आज निधन हो गया। कोरोना काल में आज तड़के एक ऐसी खबर आई जिसने बहुजन समाज पार्टी समर्थकों को झकझोर कर रख दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रहने वाले बसपा के सबसे लोकप्रिय और कर्मठ समर्थक यशपाल गौतम का कोरोना की वजह से आकस्मिक निधन हो गया। बसपा की रैलियों में लकड़ी के भारी भरकम कटआउट अपने सिर पर घंटों उठाए यशपाल गौतम को बहुजन समाज का बच्चा बच्चा जानता था। इस चौंकाने वाली दुखद खबर के बाद सोशल मीडिया पर यशपाल के चाहने वालों की पोस्ट का तांता लग गया। हर कोई अपने अपने तरीके से यशपाल गौतम को श्रद्धांजलि देकर अपना दुख प्रकट करने लगा। यशपाल गौतम हापुड़ के एक सामान्य अम्बेडकरवादी परिवार से संबंध रखते थे और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बढ़ई का काम करते थे। 1991 में अपने पिता के निधन के बाद से ही यशपाल गौतम के ऊपर अपने पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी आन पड़ी। यशपाल जी, कहां से आपको ये प्रेरणा मिली थी? कब आपने सोचा था कि आपको बसपा की रैली में तो हर कोई जाता है जो बसपा समर्थक है, लेकिन आप बिल्कुल अनोखे हैं, विचित्र हैं। जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ उस समाज के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये दलित और वंचित समाज था। अगर बहुजनों को, दलितों को अगर कोई आगे अगर कोई मान सम्मान दिलाने वाले थे तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और हमारे पास एक ईंट का भी अधिकार नहीं था। अगर हमारे पास अगर एक मकान भी है छोटे से छोटा, तो वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। और मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बाकी जब बाबा साहब की हमने, जो हमारे पिताजी थे वो अब हमारे बीच नहीं है, 1991 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो हमारे पिताजी बाबा साहब की किताबें लाते थे और माननीय काशीराम जी उस समय पे जिंदा थे, तो कहीं ना कहीं हमारे पिताजी उनसे भी प्रेरित थे और कुछ किताबें मतलब उनके विचारों को मतलब वो करते थे। तो जब बात करते थे तो हम भी बैठे रहते थे, तो हमारे जो पिताजी थे कि वो कहने लगे कि बेटा, मैं उस समय काफ़ी छोटा था, कि बेटा जो भी आज हमारे पास जो भी कुछ है वो सिर्फ बाबा साहब की देन है, क्योंकि हम जिस समाज में हम जन्मे हैं इस समाज के पास कुछ भी नहीं था, और बाबा साहब ने हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़के जो भी कुछ दिया वो हमें बाबा साहब ने दिया। यशपाल जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि पहली बार आप कब इस तरह का, ये जो आप पूरा कटआउट लेके जाते हैं बहन जी का, ये कब आप लेकर गए थे, कितनी उम्र थी उस समय आपकी? तो जो सबसे पहले जो मैं लेके गया था वो मैं 1997 में जब माननीय श्री काशीराम जी थे और बहन जी थी, तो जिला बागपत बहन जी ने जो है उस समय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो 1997 में मैं जिला बागपत बनाया था। तो सबसे पहले मैं बागपत लेके गया था बहन जी के लिए कटआउट। उम्र कितनी थी आपकी उस समय? उम्र आज मेरी उम्र होगी उस समय 18 के करीब उम्र होगी मेरी। तो आपको तो लगभग सभी ने देखा होगा, जो टीवी पर भी जब रैलियां आती हैं तो खास फोकस आपके ऊपर भी किया जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि कितना वजन होता है इसके अंदर, क्योंकि आमतौर पे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये थर्माकोल का बना है या प्लास्टिक का बना है, तो एक बार इसके बारे में हमें बता दीजिए जी। इसमें क्या नाम है वैभव जी, इसका जो वेट है, इसका जो है 18 किलो वेट है और इसका जो वेट है वो 17 किलो वेट है। और ये जो है ये थर्माकोल का नहीं है, ये वाटर प्रूफ जो पिलाई होती है, जो सेटरिंग वाली जो पिलाई होती है, इस पर कितनी बारिश लगो, बारिश हो पानी से कुछ भी इसका मतलब बिगड़ेगा नहीं। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये वाटर प्रूफ पिलाई है। वाटर प्रूफ पिलाई है और इसमें दोनों तरफ पेंटिंग है और उसमें परम पूज्य बाबा साहब हैं, माननीय श्री काशीराम जी हैं। और हमारी सोच ही तो कि जो लड़ाई लड़ने वाली आइडल लेडी बहन कुमारी, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, और जब से भी मैंने होश संभाला, मैंने
जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, पहले बाबा साहब हुए, माननीय श्री काशीराम जी है, अगर बहुजन समाज पार्टी के अंदर अगर कोई विचारधारा लेके चल रहा, हालांकि हमारे नेता काफी हैं, मगर जो दलितों पर जितना भी अत्याचार जो उत्पीड़न होता है, अगर उनों की शोषितों की वंचितों की अगर कोई आवाज उठाने वाला भारतवर्ष के अंदर है तो वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं और अन्य नेता हमारे समाज में काफी हैं। और इसीलिए मैं बहन जी को जो है अपने तन और मन से, धन मेरे पास है नहीं, मैं दिल से मानता हूं उन्हें। आर्थिक तंगी और चुनौती के बावजूद भी यशपाल गौतम ने अपने अंदर बाबा साहब के आंदोलन की समझ पैदा की और अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वो बसपा के समर्थन में रैलियों में जाने लगे। अपने अनोखे अंदाज और सर पर उठाए कटआउट की वजह से यशपाल धीरे धीरे प्रिंट मीडिया की नजरों में आने लगे और उनकी फोटो बड़े बड़े अखबारों में छपने लगी। देखते ही देखते यशपाल गौतम बसपा समर्थकों में खासे लोकप्रिय हो गए और रैली में पहुंचते ही उन्हें जनता और स्थानीय मीडिया घेर लिया करती। स्वाभिमानी यशपाल गौतम ने कभी अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। कोरोना लॉकडाउन में रोजगार और आय के साधन खत्म होने पर उन्होंने अपने घर के सामने नवीन मंडी में फलों की रेहड़ी लगा ली ताकि उनके परिवार को किसी आर्थिक चुनौती का सामना न करना पड़े। यशपाल के परिवार में उनकी बुजुर्ग माता जी, पत्नी और तीन बेटियां हैं। संघर्ष के शुरुआती दिनों में यशपाल गौतम के पास जब बसपा की रैलियों में कटआउट बनाने के पैसे नहीं होते थे तब वो गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जुटाकर अगली रैली तक पैसों का इंतजाम करते। तो इसके अलावा और भी कटआउट हैं, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि वो एक बार दिखाए इन कटआउट को भी कि ये सारे कटआउट बनाए किसने हैं। सारा सवाल निकल के आता है कि कटआउट आप लेके जाते हैं ये बनाए किसने हैं, आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, जो आपका व्यवसाय है, उसके बारे में लोगों को बताइए कि कटआउट बनाए किसने हैं। मेरा अपना जो कारोबार है वो मेरा अपना कारपेंटर का काम है, फर्नीचर का जी। और मेरे तीन बेटियां हैं और मेरे मतलब पिताजी मेरे 1991 में एक्सपायर हो गए थे, मेरी मदर हैं, बाकी मुझे अपना परिवार भी देखना पड़ता है और जो मेरे अपने मन की जो हमारे संतों महापुरुष हैं, कहीं ना कहीं के भी कुछ नया हो तो इसीलिए मैं अपना जो है हर महीने, आप गुल्लक देख सकते हैं मेरी के, उसमें मैं हर महीने 150-200 रुपए मैं अलग से के भी आने वाले समय में के बहन जी के लिए ये अच्छा रहेगा, ये मेरी अपनी मन की भावना होती है कि मैं बहन जी के नाम की जो है गुल्लक डालता हूँ संतों महापुरुषों के, और उस गुल्लक में मैं हर महीने 150 रुपए या 200 रुपए डालता हूँ और जब समय आता है तो मैं उस गुल्लक को खोल के उसमें पिलाई लेकर आनी है, पेंट है, कटिंग वगैरह, तो मैं फिर बहन जी के लिए कुछ ना कुछ नया तैयार करता हूँ। किसी भी सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक पार्टी के लिए यशपाल गौतम जैसे समर्थक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं और अपने संगठन या राजनीतिक दल को आगे बढ़ता देखने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। सोशल मीडिया पर जहां यशपाल के यूं अचानक चले जाने से उनके मित्र और समर्थक स्तब्ध हैं, वहीं उन्हें ये चिंता भी सता रही है कि परिवार का भरण पोषण कैसे होगा और तीन बेटियों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। अपना समस्त जीवन और संसाधन बहुजन समाज पार्टी के लिए न्यौछावर कर देने वाले निस्वार्थ समर्थक यशपाल गौतम की मदद के लिए न सिर्फ बसपा समर्थकों बल्कि बहुजन समाज के समस्त लोगों को और विशेषकर बसपा के बड़े पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों को आगे आना चाहिए ताकि सामाजिक आंदोलन के ऐसे निस्वार्थ योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।